सूजी का ढोकला बहुत आसान हो जाएगा जब आप इसे इस तरीके से बनाओगे। बिल्कुल स्पॉन्जी बनेंगे बहुत ही आसान तरीके से। सूजी ढोकला बनाने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं शेयर करने वाली हूँ, और अगर ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करोगे ना तो सूजी का ढोकला बहुत ही जालीदार और स्पॉन्जी बनेगा। मैं महिमा मोसेस और मोसेस रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप सूजी लिया है। सूजी दो प्रकार का होता है, एक मोटा और एक थोड़ा बारीक वाला होता है, तो आप अच्छे रिजल्ट के लिए बारीक वाला सूजी लें। मैंने यहाँ पर एक कप बारीक वाला सूजी लिया है। जितना हमने सूजी लिया है उतना ही दही भी लेना है, तो यहाँ पर एक कप सूजी के लिए एक कप दही लिया है मैंने, और आधा छोटा चम्मच अदरक लिया है जिसे मैंने पीस कर लिया है, और आधा छोटा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर भी यहाँ पर मैंने ले लिया है, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक इसमें डाला है। अब इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हमें डाली है ना, उन सारी चीज़ों को मिक्स करना है, और यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाए उसके बाद ही आप इसमें पानी डालें, पहले ही पानी आप न डालें। और यहाँ पर इस बात को भी आपको खासा ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ हाथों से आपको इसे मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से आप इसे मिक्स करें। अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, तो इसके बाद यहाँ पर हमें पानी ऐड करना है, लेकिन पानी एक साथ बहुत सारा न डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपको इसे मिक्स करते जाना है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर कंसिस्टेंसी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तब तक हम जो है इस बैटर को रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं 20 मिनट के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस मैं यहाँ पर बता रही हूँ, और वो ये है कि स्टीमर को आप पहले से ही तैयार कर लें। यहाँ पर मैं गंज का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो स्टीमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने स्टैंड रख दिया, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी पानी से टच नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जिस भी बर्तन में आप ढोकला बना रहे हो ना, उस बर्तन को आप पहले ही चेक कर ले, ये देखिए बिल्कुल भी ये पानी से टच नहीं हो रहा है। अगर बर्तन पानी से टच होगा ना तो जो ढोकला है वो उतना अच्छा स्पॉन्जी नहीं बनेगा। जिस भी बर्तन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसे तेल से अच्छे से ग्रीस कर ले। ग्रीस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अच्छे से ग्रीस नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, ढोकला को निकालने में बहुत परेशानी आएगी। तो ये देखिए जो बर्तन है उसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो अब देखिए हमारा स्टीमर भी रेडी है। ढोकला बर्तन में बैटर को डालने से पहले हमारा स्टीमर रेडी होना चाहिए, और ये देखिए हमारा जो बैटर है वो भी रेस्ट अच्छे से ले चुका है। तो ये देखिए हमारा जो बैटर अच्छे से फर्मेंट हो गया और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है, तो मैं इसमें पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लूँगी। हमें इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी प्रिपेयर करनी है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। क्योंकि अब जो बैटर है वो अच्छा फर्मेंट हो चुका है, तो हमें इसे बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है, नहीं तो जो हमारा ढोकला है वो फूलेगा नहीं। और यहाँ पर जो है मैंने एक छोटा चम्मच इनो डाला है, फ्रूट सॉल्ट, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से पानी डाला है ताकि अच्छा एक्टिवेट हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद भी मैं बहुत ही हल्के हाथों से इसे चलाते हुए मिक्स कर रही हूँ। अगर आप बैटर को बहुत ज़्यादा तेज हाथों से चलाएंगे ना तो क्या होगा, जो ढोकला है वो फूलेगा नहीं। तो यहाँ पर बहुत हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है, और यहाँ पर मैं कोई भी सीन कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखानी थी, जो कि मैंने बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी तैयार की। तो ये देखिए बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी है, मतलब जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिए कि कई बार क्या होता है, हम बैटर को बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग कर देते हैं, इससे भी क्या होता है, जो हमारा ढोकला है वो फूलता नहीं है। अब इसे तुरंत ही हमें स्टीमर में रखकर 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है, और आप देख सकते हैं कि जो बर्तन है वो प्रॉपर सेंटर में रखा हुआ है। हाँ, बार बार लीड खोलकर आप इसे चेक न करें, इस बात का आप ध्यान रखें। तो अब हम चटनी बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मिंट की चटनी बनाई, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। मुट्ठी भर मिंट लिया है, मुट्ठी भर यहाँ पर धनिया लिया है, और यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी मैंने इसमें छोटा छोटा काट कर डाल दिया है, 2 लहसुन की कलियाँ ली है, 1 हरी मिर्च लिया है। इसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया था, और इसके बाद यहाँ पर स्वाद अनुसार थोड़ा नमक ऐड किया है, नींबू का रस भी मैंने इसमें डाल दिया है। मिंट की ये चटनी ना बहुत ही लाजवाब लगती है इस सूजी के ढोकले के साथ। इसे आप ज़रूर बनाकर एक बार ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए हमारी मिंट की चटनी भी यहाँ पर तैयार है, और ये देखिए तब तक हमारा जो सूजी का ढोकला है वो भी बनकर यहाँ पर तैयार हो गया। तो ये देखिए मैंने नाइफ से यहाँ पर चेक किया, तो हमारा जो ढोकला है वो बिल्कुल प्रिपेयर हो गया है। नाइफ से आप इसके चारों तरफ इस तरीके से घुमाएंगे ना, और हल्के हाथों से आप इसे टैप करेंगे ना, तो ये बहुत ही आसानी से निकल आता है। तो ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ढोकला बहुत ही अच्छा जालीदार बना है, और बहुत ही अच्छा ये स्पॉन्जी है।
यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ ताकि उससे आपका जो ढोकला है वो अच्छा स्पॉन्जी बने। तो यहाँ पर वो बात ये है कि आपको ढोकला को बहुत ज़्यादा समय के लिए स्टीम नहीं करना है। अगर ज़्यादा देर के लिए आप उसे स्टीम करोगे ना तो जो वाटर होता है ना स्टीम का वो ढोकला के ऊपर ज़्यादा आएगा, इससे क्या होगा जो ढोकला है वो सॉगी हो जाएगा। और अगर आप इसे कम टाइम के लिए स्टीम करते हो ना तो क्या होगा, आपका ढोकला स्पॉन्जी तो बनेगा ही नहीं, साथ में ये अंदर से कच्चा भी रह जाएगा। काटते समय आप नाइफ को पोछ पोछ कर काटें, नहीं तो जो ढोकला है वो साइड से टूटे टूटे रहेंगे और अच्छा शेप भी नहीं आएगा। ये बहुत ही स्पॉन्जी और स्वादिष्ट बनते हैं, आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो आपको बार बार इसे बनाने का मन करेगा। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये जालीदार बने हैं। तो अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है, जब तेल अच्छे से गर्म हुआ है तो 1 छोटा चम्मच सरसों डाला है, जब सरसों अच्छे से क्रैकल हो गया है ना तब यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल डाला है, थोड़ा सा हींग डाला है चुटकी भर, और उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च डाली है जिसे मैंने बीच से कट कर दिया है, और सबसे लास्ट में यहाँ पर करी पत्ता डाला है, और बस हम तड़के को जो ढोकला है उसके ऊपर डाल देंगे। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर कर दिए हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें, और अगर आपको ये पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे इस रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रेसिपी में अगर कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो बनाओ खाओ एंजॉय करो, टाटा बाय बाय।